जोहार साथियों, आज हम डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजकुमार जी रोत के जीवन के बारे में जानेंगे। राजकुमार जी रोत का जन्म एक भील आदिवासी समुदाय में शंकर लाल जी रोत व माता पार्वती बाई के घर 26 जून 1992 को डूंगरपुर जिले के खरवर खुनिया गांव में हुआ था। राजकुमार रोत व उनकी माता का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। ऐसी मुसीबतों से हर कोई सामना नहीं कर पाता, पर माता पार्वती बाई ने इस मुसीबतों बाधाओं से लड़ते हुए अपने बेटे को समाज प्रेमी व सबका चहेता बनाया। राजकुमार रोत का परिवार एक गरीब किसान परिवार था। साथियों, अब हम कहानी को उस समय से शुरू करते हैं जब राजकुमार रोत की माता पार्वती बाई गर्भवती थी व उनकी दो बेटियां थीं। उसी समय पार्वती बाई के परिवार पर कुदरत ने कहर बरसा दिया। उनके पति यानी राजकुमार रोत के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी विकराल परिस्थिति में पार्वती बाई को खुद का व अपनी दो बेटियों का लालन पालन करना का बोझ आ गया। अब परिवार पर संकटों के काले बादल मंडरा रहे थे, फिर भी पार्वती बाई ने हालातों मुसीबतों के सामने हार नहीं मानी व संघर्ष भरा जीवन जीते हुए 26 जून 1992 को सबके चाहते लोकप्रिय भीलों के लाडले राजकुमार रोत को जन्म दिया। पार्वती बाई को पुत्र प्राप्ति की खबर से उनके परिवार व आस पड़ोस में खुशी की लहर छा गई। अब पार्वती बाई भील का परिवार दो बेटियां, एक पुत्र व खुद को मिलाकर 4 सदस्यों का छोटा सा परिवार हो गया था, पर मुसीबतों दुखों ने साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि मुसीबतें और भी बढ़ गई। राजकुमार का बचपन बड़ी ही कठिनाइयों व गरीबी में बीत रहा था। फिर भी राजकुमार की माता व उनके परिवार ने उन्हें शिक्षा से दूर नहीं रखा। खुद दुख परेशानियों को झेलते हुए भी बालक राजकुमार को शिक्षा के लिए विद्यालय भेजा। शंकर लाल जी व पार्वती बाई का पुत्र राजकुमार एक ही था जो कि सुयोग्य साबित हुआ। राजकुमार रोत अपनी माता पार्वती बाई से संघर्ष की प्रेरणा पाकर बचपन से ही संघर्षवादी व सत्य का साथी हो गया। अपने व्यवहार व प्रतिभावान व्यक्तित्व के कारण स्कूल से लेकर कॉलेज आदि उच्च शिक्षा तक राजकुमार रोत छात्रों में लोकप्रिय रहे तथा छात्र संगठन भील विद्यार्थी मोर्चा से जुड़े व उनके अध्यक्ष भी रहे। राजकुमार जी RAS व शिक्षक बनना चाहते थे, पर अपने आदिवासी समाज की दुखद परिस्थितियों को देखते हुए व अपने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा के अभाव के कारण आदिवासियों के हक अधिकारों को दबाया छीना जा रहा था। राजकुमार खुद भी दुख व मुसीबतों को बहुत झेल चुका था। उसको अनुभव था कि हमारा आदिवासी समुदाय किस प्रकार के कष्ट झेल रहा है। अब राजकुमार अपने अधिकारी बनने के सपने के साथ साथ अपने आदिवासी हक अधिकारों के लिए लड़ना व अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने का भी सपना संजो लिया था। अब मोटरसाइकिल से डूंगरपुर के सारे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में आदिवासियत का प्रचार करते रहते। राजकुमार की समाज सेवा व आदिवासियत के प्रति समर्पण को देखते हुए दक्षिणी राजस्थान के महान समाज सुधारक दादा भंवर परमार आदि समाज सुधारकों ने मिलकर 2018 के विधानसभा चुनाव में एक गुजरात की नई राजनीतिक पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी BTP से डूंगरपुर की 84 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया। इस 2018 के विधानसभा चुनाव में डूंगरपुर की 84 विधानसभा से सुशीला कटारा को हराकर राजकुमार रोत 12,934 वोटों के साथ एक बड़े बहुमत से जीत हासिल की तथा
राजस्थान में सबसे युवा विधायक का खिताब भी अपने नाम किया। राजस्थान के पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में खुशियां छा गई। राजकुमार रोत जिंदाबाद, EBTB पार्टी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। लोगों ने राजकुमार को कंधों पर उठाकर ढोल नगाड़ों से राजकुमार रोत का स्वागत किया। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में इस नई नई पार्टी BTP ने राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती थी। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से राम प्रसाद डिंडोर व 84 विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार रोत विजयी हुए। अब राजकुमार रोत सामान्य आदमी नहीं रहे थे, वह विधायक राजकुमार रोत बन गए थे। राजकुमार रोत विधायक बनने के बाद अपने समाज प्रेम राष्ट्रभक्ति की प्रतिभा जुनून को खत्म नहीं होने दिया, किंतु अब राजकुमार मानव उत्थान जन सेवाओं आदि में कार्य बढ़ चढ़कर करने लगे व जनसभा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। विधानसभा में पहुंचकर युवा विधायक राजकुमार रोत ने अपने भाषणों व जज्बे से पूरी विधानसभा को प्रभावित किया। विधानसभा में राजकुमार आदिवासियों व जनता के हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहे तथा विधानसभा में आदिवासी नारों जैसे जय जोहार जय भील प्रदेश के नारों को शांत से शेर की तरह दहाड़ते रहे। राजकुमार ने विधानसभा में आदिवासी भील बाहुल्य क्षेत्र को भील प्रदेश बनाने की मांग को भी उठाते रहे। जन सुधार के कार्यों में आदिवासियत के प्रति समर्पण के कारण राजकुमार रोत की और अधिक ख्याति बढ़ी। इस ख्याति व लोकप्रियता को देखते हुए जैसलमेर के आदिवासी सिंगर व लेखक किशनराज भील ने राजकुमार पर प्रथम गीत गाया जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। वो गीत था जिसे देख के भील है नाचे चहुं ओर है डंका बाजे। वह 2020 के विश्व आदिवासी दिवस को राजकुमार रोत ने लेखक किशनराज भील के नेतृत्व में जैसलमेर के आदिवासी भील समाज के साथ मनाया। राजकुमार रोत का 2021 में भील आदिवासी परंपरा रीति रिवाज के अनुसार विवाह हुआ तथा 2022 में राजकुमार रोत के घर उनकी जीवन संगिनी गीताबाई की कोख से एक सुपुत्र का जन्म हुआ। साथियों, ये था आदिवासियों के लाडले भील राजकुमार रोत का जीवन। ये तो जोहार का नारा लगाए, भील प्रदेश की मांग उठाए, निकले जिधर से जयकारे गूंजे, सबके दिलों में रोत बिराजे, निकले जिधर से जयकारे गूंजे, सबके दिलों में।